नमस्कार। एक दुखद समाचार और दुखद समाचार ये है कि कांग्रेस नेता की कल एक सड़क हादसे में जान चली गई है। और जिस तरह से आप जानते हैं राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका जम्मू में दौरा, जम्मू कश्मीर में दौरा था और कल अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी समय जब पार्टी से यानी उस कार्यक्रम से लौटते समय जो सिद्धड़ा के से अपनी जगती की ओर जा रहे थे वहीं पर अगर बात करें तो इनका एक सड़क हादसा हुआ जिसमें इनकी जान चली गई। एक दुखद समाचार है उस परिवार के लिए क्योंकि एक ट्रक के साथ इनकी यानी ट्रक ने इन्हें हिट किया और जिसके चलते बुरी तरह से इन्हें कुचल दिया। वो तस्वीरें हम आपको नहीं बता सकते किस तरह से ट्रक ने उसे नीचे कुचला था। इसी तरह से सरकार ने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हिट एंड रन करने वालों को कई लाखों रुपया जुर्माना और कई साल की सजा भी यानी के बनाई थी, उसी यानी के सर्कल को निकाला था। पर वहीं पर लगातार जो ड्राइवर तबका है उन्होंने यानी पूरे देश में आंदोलन किया था जिससे सरकार को से मोहर लगाने से पहले ही वापस लेना पड़ा। ये इसीलिए था कि कई लोग जो लापरवाही के साथ गाड़ियां चलाते हैं, छोटी गाड़ियों को टू व्हीलर या फोर व्हीलर को कुछ समझते नहीं है और ये क्या करें कुचलते चले जाते हैं, तो इन पर थोड़ा शिकंजा कसता। सबकी बात तो नहीं करेंगे, कुछ लोग जो है लापरवाही करते, कई तो ड्रिंक कर गाड़ियां चलाते या नशा करके गाड़ियां चलाते जिससे कई लोग उस हादसे की जद में आते हैं जिनकी जान चली जाती है। बताना चाहेंगे राहुल गांधी के कार्यक्रम से लौटते समय सड़क दुर्घटना में कांग्रेस नेता शादीलाल पंडिता जी की जान चली गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शादीलाल पंडिता की गुरुवार शाम जम्मू में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में एक समारोह से लौटते समय सड़क दुर्घटना में जान चली गई। दुर्घटना सिद्धड़ा के पास उस समय हुई जब पंडिता जगती प्रवास बस्ती लौट रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि एक ट्रक ने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। वहीं बताना चाहेंगे जो शादीलाल पंडिता वाइस चेयरमैन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट सेल कांग्रेस के थे, वहीं पर बताएंगे कश्मीरी प्रवासी सेल के उपाध्यक्ष पंडिता एक समर्पित कांग्रेस नेता और कश्मीरी प्रवासियों के हित के प्रमुख वकील थे। बताना चाहेंगे जेकेपीसीसी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा वह युवा कांग्रेस के दिनों से ही पार्टी से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। कांग्रेस के जो नेता है बड़े बड़े नेता जिनकी बात करें सीनियर नेता की अगर बात करें राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर यानी कि एसआईसीसी प्रभारी बर सिंह सोलंकी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद करा, पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष ताराचंद और रमन बल्लापुर, मंत्री योगेश सहनी और पीसीसी प्रवासी सेल के अध्यक्ष एचएल पंडिता कमल के साथ जोतेदार ने भी शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस पार्टी को एक यानी कि बड़ा नुकसान हुआ है और उस परिवार का नुकसान हुआ जिस परिवार का सदस्य थे शादीलाल पंडिता जी। कल एक सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई है, ये परिवार के लिए बड़े दुख की घड़ी है क्योंकि जिस परिवार का ये सदस्य जाता है तो उस परिवार को ही पता होता है सदस्य के जाने का दुख क्या है। हम उस परिवार के साथ पूरी संवेदना रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शादीलाल पंडिता जी को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। ये कल की बात है, कल वो एक कार्यक्रम में सिद्धा से यानी कि अपने घर जो कि जगती माइग्रेंट टाउनशिप है वहां पर वापिस जा रहे थे, जहां पर चलते चलते ये पहली बार नहीं है अगर सिद्धा की बात करें कई बार ट्रकों ने जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो चलती है कई लोगों की जान ली है यानी उन्हें कुचला है। कुछ देर पहले भी कई बार हमने खबरें आए दिन दिखाते हैं सिद्धा रोड पर इस तरह के हादसा लगातार होते हैं। ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारियों से निवेदन करेंगे, पुलिस से निवेदन करेंगे, वहां पर भी एक पेट्रोलिंग लगाई जानी चाहिए ताकि इन लोगों पर रात के समय भी और या दिन के समय भी नजर रखी जाए कि ये ट्रक चालक जो बड़ी बड़ी ट्रक लेकर आते हैं। सबकी बात तो नहीं करेंगे पर कुछ की बात करेंगे कि किस तरह से गाड़ियां चलाते हैं जिसमें कई लोग जख्मी आते हैं जिनकी जान चली जाती है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, एक बड़ी दुख की खबर है और नुकसान है कांग्रेस पार्टी का कि कर्मठ नेता जो कल जिनकी सड़क हादसे में सड़क दुर्घटना में जान चली गई है और वह बताना चाहेंगे इनका नाम है शादीलाल पंडिता जी। जो लोग भी हमें देख रहे हैं वो जरूर इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और ये प्रार्थना कीजिए उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल अगर तस्वीरें हम आपको नहीं बता सकते शादीलाल जी को किस तरह से इस ट्रक ने कुचला था, आए दिन इस तरह के हादसा होते तभी जो केंद्र सरकार की तरफ से कानून लाए गए थे, सख्त कानून लाए गए थे कि अगर हिट एंड रन का कोई केस करता तो उससे यानी किस तरह की सजाएं और जुर्माना होना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो भी सड़क पर गाड़ियां चलाते हैं वो लोग लापरवाही ना बरते। फिलहाल बताना चाहेंगे शादीलाल पंडिता वाइस चेयरमैन थे कश्मीरी माइग्रेंट सेल कांग्रेस के। आपका क्या कहना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवाहर।